आप भी उसी साधारण ड्रेस में हो और वो क्लाइंट भी उसी साधारण ड्रेस में है और आप जज साहब के सामने जाते हो और जज साहब आपको पूछते हैं कि हु आर यू, बताओ इससे अधिक इंसल्ट और क्या होगा। बड़ी मुश्किल से आपने 3 साल तक परिश्रम करके और फिर ये लॉ की डिग्री प्राप्त इन अ बायस प्रोफेशन, व्हाई आर यू कमिंग इन दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस। न्यू जनरेशन के जो युवा है जींस पहन के कोर्ट में आ जाते हैं, आई डिसलाइक दिस। अपनी ड्रेस के साथ न्याय नहीं कर पाते हो तो मैं समझता हूँ कि आप अपने प्रोफेशन के साथ भी न्याय नहीं कर। हम अभी एडवोकेट के रूप में कार्य करने के लिए आए हैं तो हमें क्यों शर्म आती है कोट पहनने से। सम्मानित मंच, आदरणीय डीजे साहब, हॉल जीपीसी जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी, मनोनीत सदस्य, सम्मानित सदस्यगण, महीनों, अभी काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम लोग न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि आप कैसे स्वस्थ। जब तक आप स्वयं स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप दूसरों को न्याय नहीं दिला पाएंगे। दूसरी चीज, मैं जो देख पा रहा हूँ अभी जो नई गैप आई है, किसी भी प्रकार से वेल ड्रेस, वेल एड्रेस और डेयरनेस, ये जो तीन जो प्रमुख स्तंभ है हमारे वकालत के, उनमें काफी कुछ कमी देखने को मिल रही है। आप मेरे को बताओ, हम एडवोकेट के रूप में कार्य करने के लिए आए हैं तो हमें क्यों शर्म आती है कोट पहनने से, क्यों हम टाई लगाने से अपने आप को रोकते हैं, क्यों हम पूरी वेल ड्रेस में आकर के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। आदरणीय विजय साहब ने ये व्यथा अपनी बात कही थी कोर्ट में भी कि आप लोग ड्रेस में क्यों नहीं आते, और मैं बार बार कहता हूँ कि आप इस सम्मानित पेशे में, इस पायस प्रोफेशन में जब आप एंटर किए हैं तो क्यों ना आप वेल ड्रेस के साथ, आप एक अभिमान के साथ कोर्ट आना चाहिए, कोर्ट में अपीयरेंस होनी चाहिए, कहा आई एम एन एडवोकेट और मैं न्याय दिलाने के लिए हूँ। और सबसे पहले यदि आप अपनी ड्रेस के साथ न्याय नहीं कर पाते हो तो मैं समझता हूँ कि आप अपने प्रोफेशन के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हो। अभी जो न्यू जनरेशन के जो युवा है जींस पहन के कोर्ट में आ जाते, आई डिसलाइक दिस। आप अपने आप को देखो कि आप कहाँ अपीयर हो रहे हो। हो सकता है आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि इस प्रोफेशन में यदि आप जींस को छोड़ दो, आप जींस कॉलेज लाइफ खत्म हो गई है, नो कॉलेज लाइफ नाउ, यू आर इन अ बायस प्रोफेशन, व्हाई आर यू कमिंग इन दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस। आपको बैंड लगाने में शर्म क्यों महसूस हो रही है? बड़ी मुश्किल से आपने 3 साल तक परिश्रम करके और फिर ये लॉ की डिग्री प्राप्त की है। तो मैं इस शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर ये बात और कहना चाहूंगा कि आप सभी व्यक्ति भी इस बात की शपथ लें कि जब आप कोर्ट पे एंटर हो तो वेल ड्रेस के साथ एंटर हो, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करो। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो आपकी शपथ ग्रहण के साथ ही आगे बढ़े। तो हम समझते हैं कि बार एसोसिएशन राजसमंद अब तक जिस प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है उस प्रतिष्ठा को हम आगे बढ़ाने का कार्य करें, तभी हम अपने साथ, बार के साथ, बेंच के साथ न्याय कर पाएंगे। अन्यथा एक साधारण व्यक्ति जो क्लाइंट के रूप में कोर्ट में एंटर करता है, आप भी उसी साधारण ड्रेस में हो और वो क्लाइंट भी उसी साधारण ड्रेस में है और आप जज साहब के सामने जाते हो और जज साहब आपको पूछते हैं कि हु आर यू, बताओ इससे अधिक इंसल्ट और क्या हो सकती है। और यदि आप ड्रेस में हो तो ऑटोमेटिकली जुडिशियल साइड से ही आएगा कि नहीं, ही इज एडवोकेट या शी इज एडवोकेट। तो ये जो छोटी सी मेरे मन की व्यथा थी, मैंने यद्यपि यह अवसर नहीं था फिर भी मैंने इसलिए कहा है कि शपथ, जहां पर हम कार्य करने के लिए इस प्रकार की शपथ लेते हैं, इस प्रोफेशन में आने के लिए भी हमें जो प्रिंसिपल्स हमें बताए गए हैं, जो एडवोकेट एक्ट में जो सिद्धांत बताए गए हैं, उन सिद्धांतों को हमको पालन करना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से आप लोगों के साथ ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय को, कार्यकारिणी को, कि आप स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन करते रहें। जितनी हेल्प हमारे से होगी हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और मैं इस अवसर पर ललित जी भाई साहब को निश्चित रूप से याद करना चाहूंगा कि आपके जो 9 महीने का जो कार्यकाल था, मैं समझता हूं कि बार एसोसिएशन के पिछले कार्यकालों में स्वर्णिम कार्यकाल था। और आपने पूरी मनोयोग से इस संक्षिप्त कार्य अवधि में जिस तरह से कार्य किया, जिस तरह से बार एसोसिएशन की दशा और दिशा को सुधारा है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और मैं सुशील जी पारासर से भी निवेदन करूंगा कि इस 9 महीने के अनुभव को आप आगे एक्सटेंड करते हुए हमारे यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं, आदरणीय गणावर साहब ने, महेश जी पगेरे साहब ने, इन्होंने जिन समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, उन समस्याओं को एक यूज कह दीजिएगा कि टाइम पीरियड, टाइम बाउंड
प्रोग्राम बनाए और उस टाइम बाउंड प्रोग्राम को हम कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं, इसके लिए सभी सदस्यों की राय लेकर के हम इस प्रकार की कमेटी बना करके और हम आगे से आगे कार्य करें, तभी हम इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को यूं कह सकेंगे कि सफलतापूर्वक संपन्न कर पाए हैं। धन्यवाद। जय भारत। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।